रूपा मंगलानी, हमारा एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। तो आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हम राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हमने देखी और अध्ययन पद्धतियों को अगर हम देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ और आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ दोनों में अंतर है, और जो कि परिभाषाओं के आधार पर ही अध्ययन पद्धतियों और क्षेत्र में भी अंतर है जो हमें जानना चाहिए। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का सवाल है तो दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति आदि प्रमुख पद्धतियाँ हैं जो कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ हैं, तब राजनीति विज्ञान अधिक से अधिक दर्शन शास्त्र से प्रभावित था, इतिहास से प्रभावित था। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएँ थी। तो राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत विचारक हैं उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलना से काम लिया। मध्य युग के ईसाई विचारकों ने भी जो है ऐतिहासिक पद्धतियों पर ज़्यादा बल दिया। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों का अगर हम वर्णन करें तो ये इस तरह से प्रकट होती हैं। पहली पद्धति जो है वो दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति भी माना जाता है। यह अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं वरन कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। इस पद्धति में पहले से ही एक आदर्श स्थापित कर दिया जाता है और कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसाके आदि इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति रिपब्लिक और थॉमस मूर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। जहाँ तक ऐतिहासिक पद्धति का सवाल है तो परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उसके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में ही खोजी जा सकती है, ऐसा इन विचारकों का मानना है। एक विचारक हुए लास्की, उनका भी ये कहना है कि राजनीति का विज्ञान का अगर अध्ययन करना हो तो राज्यों के इतिहास के अनुभव के परिणाम को इकट्ठा करो और फिर उससे सीखो। इसी तरह से कुछ और विद्वान हुए हैं, मैकियावली, बोदा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, ये सब विद्वान हैं जो कि ऐतिहासिक पद्धति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये धीरे धीरे विचारक आपको याद भी हो जाएंगे और आप पहचानने भी लग जाएंगे कि कौन से तो परंपरावादी हैं और कौन से आधुनिक हैं। अभी आपकी नई क्लास है तो आपको कुछ विद्वान हो सकता है कि थोड़ा नाम अटपटे लगे, लेकिन कुछ लोग जो ट्वेल्थ में सिविक्स पढ़ के आए हैं वो तो परिचित हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सबसे परिचित हैं। और कुछ लोगों के लिए नाम नए हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको ये नाम याद हो जाएंगे और पहचान भी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि दार्शनिक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति के जो समर्थक हैं वो राजनीति विज्ञान में दर्शन शास्त्र और इतिहास को ज़्यादा समर्थक देते हैं। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में जो है तुलनात्मक पद्धति है। तुलनात्मक पद्धति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। हम जानते हैं कि सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। तो अरस्तु ने जो अपना एक किताब लिखी थी उसका नाम था, उसके ग्रंथ का नाम था पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स में उसने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके और ये बताया कि क्रांतियाँ होती क्यों हैं और उनको रोकने के क्या उपाय हैं। तो उसने क्रांतियों के कारण और उपाय बताए। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि ये एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके उसके बारे में नियमों व सिद्धांतों का निर्धारण कर सके। तो इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों के विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकालना तर्कसंगत होगा। तो मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टाकविले, ये अरस्तु के साथ इन पद्धतियों के मुख्य प्रयोगकर्ता हैं। इसी तरह से एक पद्धति है विधि पद्धति। अब विधि पद्धति के समर्थक क्या मानते हैं? विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है।
ये पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उसे क्रियान्वित करना है। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थकों में जो है वो मुख्यतः विलोबी, डिग्विट, ये सब नाम शामिल हैं। तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धतियों को हमने देखा। परंपरागत पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, विधि पद्धति है, ये सब की सब राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धतियाँ हैं। हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या थी? कल्पनात्मक था, आदर्शी था, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां था, इसलिए इसकी सारी पद्धतियां क्या इतिहास और दर्शन से ज़्यादा प्रभावित रही हैं, और या फिर तुलनात्मक पद्धति या विधि पद्धति पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो जो राजनीतिक चिंतक थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान, वो अपनी अध्ययन का जो तरीका होता है उनका ऐसे ही था, इन्हीं अध्ययन पद्धतियों पर ज़्यादा वो बल देते थे। तो चलिए अब देखते हैं आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ। तो हम सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। तो आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ कैसी हैं? समाज वैज्ञानिक उपागम है, मनोवैज्ञानिक उपागम है, अंतर अनुशासनात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, ये सब की सब आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य अध्ययन पद्धतियाँ हैं। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं उनका अध्ययन पद्धति कैसी थी? अनुभव पर आश्रित थी, वो करके देखते थे, वैज्ञानिक थी, व्यवहारवादी थी, अनुभवों के आधार पर ही वो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत रखते थे। तो अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन करते थे, फिर उसका परीक्षण कर देते थे और उसके बाद सिद्धांत बनाते थे, इसीलिए इसे वैज्ञानिक उपागम कहा जाता है। तो आइए देखें कि पहली कौन सी है अध्ययन पद्धति, आधुनिक पद्धति, समाज वैज्ञानिक उपागम है। जब से फ्रांस के कॉम्टे विचारक थे कॉम्टे और इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तो पॉलिटिकल साइंस के विचारकों को भी लगा कि भाई समाज वैज्ञानिक उपागम सार्थक है तो हमें भी राजनीति विज्ञान के लिए ऐसे उपागम अपनाने चाहिए। तो मैकाइवर, डेविड ईस्टन, जी ए आमंड, ये सब के सब राजनीति विज्ञान के विचारक थे। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहार परक नियम हम निर्धारित कर सकते हैं। सोशल साइंस में जो चीज़ें हैं उसके आधार पर हम पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे सिद्धांत बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा उपागम है मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देते हैं। ऐसे विचारक कौन थे? लॉसविल था। लॉसविल ने क्या किया? उन्होंने देखा फ्रायड का जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड विचारक था उसको हम राजनीतिक व्यवहार पर लागू कर सकते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर में भी फ्रायड की थ्योरी को लागू कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। इसी तरह से एक उपागम आया अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक अंतर्शास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विकसित किया और सैद्धांतिक और प्रावधिक उपागम को आत्मसात करके उसके प्रयोग पर बल दिया। इसी तरह से उपागम आया व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इन नई पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और हम सब जानते हैं कि व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पद्धति है। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन परिष्कृत प्रवृत्तियों पर ज़्यादा बल देता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्ति के नैतिक मूल्यों या मानकों के विवरण, इनकी कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। वो तो कहता है प्रैक्टिकल करके देखो, सारी चीज़ें करके देखो। तो मूल्यांकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की मुख्य विधियाँ ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही, जो इतिहास में देखकर उन्होंने देखा राज्य का स्वरूप पहले कैसे होता था, इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष डाले, और वर्णनात्मक थे, अमूर्त काल्पनिक थे उनके सिद्धांत और वैज्ञानिक नहीं थे, तो इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती थी। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ परंपरागत से भिन्न हैं, उसमें वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया गया है। राजनीति विज्ञान की आधुनिक पद्धतियाँ परिष्कृत प्रवृत्तियों और पद्धतियों पर बल देती हैं और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर
ज़्यादा बल देती हैं, व्यवहार को विश्लेषण करते हैं। देखिए, इसीलिए परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों को आदर्शवादी कहा जाता था, काल्पनिक कहा जाता था, और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है, यथार्थवादी कहा जाता है। और अमेरिका में और ब्रिटेन में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए, उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी किताबों को प्रकाशित किया। किताबों को प्रकाशित करने के आधार पर ही उन्होंने जो है अपने सिद्धांत निकाले। एक विचारक थे, उनका नाम था लॉर्ड ब्राइस। उन्होंने किताब लिखी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और उन्होंने ब्राइस ने कहा तथ्य 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 सबसे ज़रूरी है, तथ्य ये आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। तो ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किसने कहा कि सबसे आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य, तो उसका उत्तर है लॉर्ड ब्राइस। इनकी किताब 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो फैक्चुअल स्टडी पे ज़्यादा बल दिया गया। तो ये आपका आज का टॉपिक था, जो सेकंड एक सेगमेंट था टॉपिक का ही, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम देख चुके हैं, और हमने आज परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों को देखा, और अब हम परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की तुलना देखेंगे, उसके बाद हम क्षेत्र देखेंगे और फिर दोनों में अंतर देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर का बीए पार्ट 1 का, और राजनीति विज्ञान का मूल आधार हमारा पेपर है, और इसका हम पहले टॉपिक में हमने ये अध्ययन पद्धतियों को देखा। आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आने वाले समय में हम इसका ये सब टॉपिक है, मेन टॉपिक तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, इसी के छोटे छोटे हिस्से हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें व्यापक रूप से इसके अंतर को भी करेंगे। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर खूब अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बिल्कुल आपका आधार है, नींव है, इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको आगे बहुत सहायता मिलेगी। तो इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक आप तैयार करें, और कोई दिक्कत हो तो हम मिलेंगे तो उस पर बात ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएँ।